हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सोनू मॉडल मेकर्स नोएडा इंडिया। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप कोई विलेज का ट्रेडिशनल मॉडल बनाना है। मणिपुर, सिक्किम, इम्फाल, इन सब चीज़ों का, किसी भी विलेज का आप ट्रेडिशनल मॉडल कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बेस लेना है। देखिए, आपको कोई भी इको फ्रेंडली बेस ले सकते हैं, जैसे हमने इको फ्रेंडली बेस बनाया हुआ, आप ऐसा ले सकते हैं। इसके बाद आप चारों तरफ टेपिंग कर दीजिए, जैसे टेपिंग हो रखी है। इसके बाद ना थोड़ा सा ये बेस स्ट्रांग हो जाता है। आजकल थर्माकोल अलाउड नहीं है, आपको पता है, इको फ्रेंडली मटेरियल ही यूज़ होता है। तो आप इस तरह से कोई भी इको फ्रेंडली मटेरियल ले सकते हैं, कार्डबोर्ड ले सकते हैं या आप कुछ भी ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वुड अवेलेबल है। ये मैं आपको एक कार्डबोर्ड और दिखा देता हूँ, आप देखिए, इस तरह का कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड ये नहीं करूँगा, क्योंकि इस पर ना पानी थोड़ा सा इसको गला भी देता है कभी कभी। तो फ्रेंड्स, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप वाइट कलर का यही कार्डबोर्ड लो। देखो, इस तरह से मैंने हट्स को बना लिया। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ये बैम्बू के स्टिक्स यूज़ करके ना, या छोटे छोटे जो टूथपिक आते हैं, अगर आपको ये छोटे स्टिक्स नहीं मिलते हैं मार्केट में, तो आप मुझे भी बता सकते हैं, मैं भी आपको इस तरह का सामान अवेलेबल करा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले मैं बता देता हूँ इसको बनाया कैसे गया। देखो, हमने क्या किया, ये हट बनाने के लिए इसको पहले मैंने इस तरह से इन तीलों को जोड़ लिया, ग्लू लगा के एक पॉलीथीन बेस पे रख के मैंने इनको जोड़ लिया। उसके बाद मैंने इसको आरी से काट दिया। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, आरी से ही काटना है, और किसी चीज़ से नहीं काटना है आपको। अगर आप सोचेंगे कि आप इसे सीजर से, कैंची से काट देंगे, तो नहीं कटेगा। सबसे बेस्ट ये आरी से कटेगा, या आपके पास कोई और ऑप्शन है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप इसको सीजर या कैंची, कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ नहीं करें। अच्छा फ्रेंड्स, देखो, यहाँ पर एक ट्रिक आपको बताता हूँ सिंपल। आप जैसे कोई भी फ्रूट्स आते हैं आप घर में, उसको खाते हैं, उसके इस तरह से कई बार लीची के साथ आपको इस तरह के उसके वो मिल जाते हैं, तने मिल जाते हैं, आप उनको डिप करके कलर में और फेविकोल में डिप करके उसको हार्ड बना सकते हैं। इनकी बहुत लॉन्ग लाइफ हो जाती है और ये पेड़ बड़े अच्छे बनते हैं इससे, देखिए। तो फ्रेंड्स, ये जो है, यहाँ पे मैंने ये स्टिक्स से ऐसे हट बना दिए इसको लगा के, और यहाँ पे ये इसी मटेरियल से, मटेरियल इसको CPVC बोलते हैं, इस मटेरियल से कट करके, ये सीजर से भी कट जाता है, इससे मैंने ये कार्ट बना दिया और इसके व्हील्स बना दिए। व्हील्स आपको सीजर से गोला काट के और उसको बना लेना चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो है, ये भी फिर मैंने यहाँ पे, हमने हथियार दिखाए हुए हैं। यहाँ हमने क्या किया फ्रेंड्स, इधर हमने ये कुल्फी स्टिक्स ले लिया। कुल्फी स्टिक्स के आगे ये वाला, इसी बोर्ड को काट के हमने, वाइट बोर्ड को काट के, या कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, उससे हमने ये हथियार बना दिए। और मेन जो मेरा पर्पस था आपको बताने का, कि देखो, हम इस कुल्फी स्टिक्स को यूज़ करके, इस तरह के कुल्फी स्टिक्स ना आपको मार्केट में मिल जाते हैं, जहाँ पे दोने, प्लेटें, चम्मच मिलते हैं, उनकी शॉप पे आपको ये मिल जाएगा। जो डोना और प्लेट वाले होते हैं, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको इस तरह के कुल्फी स्टिक्स नहीं मिलते हैं, तो आप मेरे से कुरियर से भी मंगा सकते हैं। मेरा नंबर है 9818479606, सोनू मॉडल मेकर फ्रॉम नोएडा इंडिया। अच्छा फ्रेंड्स, देखो, इसी से हमने बोट भी बना दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और ये फिशेज जो है मार्केट में मिल जाती हैं, अगर आपको इस तरह के आइटम्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर फ्लैश कर दिया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये ओखली बनाई है। ये कुछ नहीं करना, जब आप नारियल खाते हैं, नारियल के छिलके बच जाते हैं, तो उसे आप सेव करके रख लीजिए मॉडल्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे नारियल के छिलकों को हमने लंबा लंबा काट के इस पे लगा दिया। आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये एक तरह का कंटेनर बन गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसी तरह से किसी भी प्लास्टिक के, या किसी भी, आप इस तरह से, जैसे छोटे छोटे आपको दोने मिल, वो चाय के जो कुल्हड़ हैं फ्रेंड्स, वो मिल जाते हैं। तो चाय के कुल्हड़ों को, या उसकी शेप में आपको बहुत सारे इस तरह के टॉयज़ मिल जाएंगे। उसके अंदर आप ऐसे टूथपिक पे ये लपेट के, किसी स्टिक पे लपेट के, धागा लपेट के, आप इसको ओखली बना सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको, जो भी नॉर्मल मार्केट में ज्वेलरी मिलती है, उससे डॉल को डेकोरेट कर दिया। ये डॉल्स प्लेन आती हैं बिल्कुल, इनके ऊपर कोई भी डेकोरेशन नहीं होती, ये डेकोरेशन हमें खुद करनी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ।
ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली जो ज्वेलरी है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की ज्वेलरी, सेकंड हैंड ज्वेलरी बहुत मिल जाती है मार्केट में। आप देखो मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी पड़ी है, हम लोग इस तरह से मॉडल मेकिंग में उसको यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में जो पुरानी ज्वेलरीज पड़ी हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे आपको इस तरह के कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो फ्रेंड्स, ये जो आपको मैं बताऊँगा, ये वाला मार्केट में बहुत ईजीली अवेलेबल है, जो कि मणिपुर, सिक्किम और इस तरह के मॉडल्स बनाने में बहुत काम आता है। तो आपको अगर इस तरह की ज्वेलरी नहीं मिल रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं अवेलेबल रेडीमेड, कुछ हट्स हमारे पास अवेलेबल होती है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल ऐसा रेडी पड़ा रहता है जो आप परचेज कर सकते हैं, आप कुरियर से भी मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, आपको इसमें कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप अपने आप से बनाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू मेक बाय योरसेल्फ एंड इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स और प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके क्वेश्चन का आंसर तभी पता लग पाता है जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो मैं चाहता हूं फ्रेंड्स, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मेरे से पूछें। इसमें कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगा, जैसे आपको फेविकॉल प्रो बॉन्ड यूज़ करनी चाहिए ऐसे कामों में। आप नॉर्मल फेविकॉल बॉन्ड यूज़ करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, वो चिपकता नहीं है, आप बहुत जल्दी से यूज़ नहीं होता। इसका स्पीड बहुत तेज़ होती है फ्रेंड्स, इसकी चिपकाने की स्पीड ना बहुत तेज़ होती है। तो इसके मैं प्राइस भी आपको दिखा देता हूँ, ये 0.53 पर ग्राम होता है, मतलब 264 की है, मेरे को हाफ लीटर मिल गई। ठीक है, या 2023 का प्राइस बता रहा हूँ, आगे हो सकता है बड़ा हुआ भी मिले। यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, ट्रेडिशनल ज्वेलरी और मॉडर्न ज्वेलरी। तो ये भी हमने कुछ पुरानी ज्वेलरियाँ निकाली और कुछ जो लेटेस्ट हैं वो निकाली। अच्छा फ्रेंड्स, आपको इस तरह की चीज़ें ना मंदिर की शॉप में भी, जो मंदिर के एक्सेसरीज बेचते हैं, दिए बत्ती बेचते हैं, वहाँ पे भी आपको इस तरह के माला मिल जाएंगे। तो आप ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी वहाँ पे दिखा सकते हैं। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब भी मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड का जब भी आप मॉडल बनाते हैं तो आपको ये वाले जरूर लगाना है, ये बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। इनके यहाँ पे बहुत शुभ माने जाते हैं, ये पंख होते हैं किसी पक्षी के। आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, कुछ ट्रेडिशन, कुछ फेमस एनिमल्स लगा दिए, कुछ एमुनेशन जो हथियार यूज़ करते थे पुराने, और नए सैनिक हमने लगा दिए। फ्रेंड्स, इसी तरह से बच्चों का मॉडल बनता है, इसमें आप बिल्कुल सिंपल रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं गया था। और इसी मैंने स्टिक्स को यूज़ करके आप देखोगे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये कर्ल इफेक्ट दिया पेपर को। ठीक है फ्रेंड्स, कर्ल इफेक्ट देखे, जैसे आप लोग राखी बनाते हैं ना, तो उस तरह से राखी मेकिंग का आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, तो उससे आप ये बना सकते हैं। और ये थोड़े थोड़े स्टिक्स यहाँ पे भी चिपका सकते हैं, इसको हम साइनो ग्लू से जोड़ते हैं। देखो साइनो ग्लू ये होता है, इससे जोड़ने पर बहुत जल्दी जुड़ेगा। अगर आप फ्रेंड्स ये यूज़ नहीं करेंगे ना, तो आप पकड़ के इसको खड़े ही रह जाएंगे, ये जुड़ेगा नहीं आपका, ये आपको ऐसे बहुत देर पकड़ के बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको चाहते हैं विद इन ए सेकेंड जुड़ जाए, तो आपको ये प्रोब, ये जो क्विक बॉन्ड्स होते हैं वो लेने चाहिए। अगर आपको ये क्विक बॉन्ड नहीं मिलता है प्रोफेशनल क्वालिटी का, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9818479606। तो फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप जरूर कमेंट बॉक्स यूज़ करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।